मनोरंजन जगत से दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर गूफी पेंटल का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक्टर गूफी पेंटल मृत्यु की खबर सामने आने के बाद टीवी और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर गूफी पेंटल बीमारी के चलते काफी लंबे समय से अस्पताल में एडमिट थे। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर द्वारा उन पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह मुंबई के अस्पताल में 78 की उम्र में गूफी पेंटल का निधन हो गया और हमेशा के लिए वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर का अंतिम संस्कार आज दोपहर अंधेरी में किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गूफी पेंटल को टीवी शो महाभारत के शकुनी मामा के रूप में पहचानते हैं और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। काफी ही कम लोग इस बारे में जानते थे कि मोर मुकुट गूफी पेंटल पहले सेना में थे। इससे पहले वे अभिनेता बने, उनके भाई अमरजीत पेंटल पहले से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा थे। इसके कारण गूफी पेंटल ने भी मुंबई आकर अपनी पहचान एक्टर के रूप में बनाई।